हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फ्रेंड्स, अगर आप सचमुच में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हर वीडियो आप देखिए। अगर आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो आप बिल्कुल स्टार्ट से देखिए। मैं अभी तक 200 से ज़्यादा वीडियो डाल चुका हूँ, आप बिल्कुल ही स्टार्टिंग से जाइए, वीडियो देखिए, शुरू से देखिए, क्लास नंबर 1 से देखिए, क्लास नंबर 1 से पहले का भी वीडियो देखिए जिसमें मैंने बेसिक वर्ड्स, मैंने यहाँ तक कि नाम कैसे लिखते हैं इंग्लिश में वो भी दिखाया है, वो भी बताया है। अगर आपको नाम लिखना नहीं आता, बिल्कुल ही कमज़ोर है आपका इंग्लिश, लिखने पढ़ने भी नहीं आता है, तो आप वहाँ से शुरू कर सकते हैं। लेकिन आप अगर रेगुलर स्टेप बाय स्टेप अगर आप वीडियो देखते गए तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप एक दिन इंग्लिश बोलना जरूर सीखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच अबाउट द यूज ऑफ डू डज एंड डिड। डू डज एंड डिड, फ्रेंड्स काफी देर तक ये कन्फ्यूजन रहता है कि डू का इस्तेमाल, डज का इस्तेमाल और डिड का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करते हैं, कब करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम वो जो भी कॉन्सेप्ट है क्लियर करने वाला हूँ, आपका कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, हालांकि मैं इस पर पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, टेंस जब मैं पढ़ा रहा था तो इसके बारे में अच्छी तरह से समझाया था, फिर भी मैं इसका एक्स्ट्रा स्पेशली इस पर मैं क्लास बना रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ आपको समझने के लिए और अच्छी तरह से समझने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो कम डू डज एंड डिड सिंपल है, मैंने पहले भी बताया था कि आई और यू को छोड़कर, आई और यू को छोड़कर सभी सिंगुलर नंबर में डज लगेगा। ठीक है, आई और यू को छोड़कर सभी सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर का मतलब होता है जब भी हम किसी सेंटेंस में एक चीज की बात कर रहे हो, यानी सब्जेक्ट एक हो, तो उसमें हम डज लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आई और यू को नहीं छोड़ेंगे, आई और यू भी एक ही है, वो भी सब्जेक्ट एक ही रहता है, बट वहां पर हम डज नहीं लगाएंगे, आई और यू को छोड़ देंगे। बाकी सेंटेंस में जो भी आएगा, जो भी नजर आए, वो अगर सिंगल है, सिंगुलर है, सब्जेक्ट उसका सिंगुलर है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, न कि ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसके पास चार गाय नहीं है तो उसमें चार गाय हैं तो एक से ज्यादा हो गया तो फिर उसमें डू लगना चाहिए, नहीं, मैं सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं कि सब्जेक्ट अगर एक हो, यानी उसके पास अगर मैं बोल रहा हूं तो उसके पास मतलब ही हैज, तो ही इज द सब्जेक्ट, अगर वो सिंगुलर है तो वहां पे डज लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे वह खेलता है तो वह खेलता है सिंगुलर नंबर, ठीक है, उसे बुक की जरूरत नहीं है, उसे मतलब ही, तो ही इज द सिंगुलर नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से सब्जेक्ट जब सिंगुलर होगा, यानी सब्जेक्ट जो मेन सब्जेक्ट होता है शुरुआत में जो सेंटेंस का आता है वो सब्जेक्ट होता है, वो अगर सिंगुलर हो तो हम डज लगाएंगे, बाकी सब में डू लगाएंगे। जितने भी बहुवचन आएंगे, एक से ज्यादा की बात होगी सब्जेक्ट में, तो उसमें हम डू लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और आई और यू के साथ भी हम डू लगाते हैं, जैसे मेरे पास बुक नहीं है, पास वाला है, इसको हम आई हैव नॉट बुक भी बोलते हैं और डू डज से भी बनाते हैं, तो आई डू नॉट हैव बुक। ठीक है फ्रेंड्स, यहां पर आई के साथ डू लगेगा, यू के साथ भी डू लगेगा, और जितने भी बहुवचन है, बहुवचन मतलब प्लूरल नंबर, उन सब के साथ डू लगता है, चाहे वो सेंटेंस किसी भी स्टेप से हो, किसी भी टेंस का हो। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे वह, उसके पास बुक नहीं है, उसके पास बुक नहीं है तो ही आएगा उसके लिए, तो ही इज द सिंगुलर नंबर, मीन्स एक वचन की बात कर रहे हैं हम, इसलिए यहां पर हम
डज लगाएंगे तो ही डजंट डज नॉट हैव बुक। ठीक है फ्रेंड, अगर हम लिखते हैं कि वे लोग कार नहीं रखते हैं, वे लोग कार नहीं रखते हैं, नहीं रखते हैं मतलब उनके पास कार नहीं है, उन लोगों के पास कार नहीं है, तो दे, अब यहां पर आप ही सोचो, यहां पर दे आ गया, यानी कि ये सब्जेक्ट जो है क्या है, ये सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल नंबर है? दिस इज द सिंगुलर नंबर, नो दिस इज नॉट सिंगुलर नंबर, दिस इज प्लूरल नंबर। वे लोग में एक से ज्यादा की बात हो रही है, सो दिस इज प्लूरल, और इसके साथ हम क्या लगाएंगे, बहुवचन में हमेशा डू लगता है, तो दे डू नॉट हैव कार। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोगों को बंदूक की जरूरत नहीं है, हम लोगों को बंदूक की जरूरत नहीं है, तो इसमें हम वी नीड नॉट भी बोल सकते हैं, बट डू डज वाले से बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, अभी हम लोग हैं तो वी इज द प्लूरल नंबर, ये सब्जेक्ट क्या है, वी है, तो वी क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, प्लूरल है, तो मैंने जैसा बताया कि सिंगुलर नंबर होगा तो डज लगेगा, आई और यू को छोड़ के, हाँ आई और यू के साथ डज नहीं लगेगा कभी भी, तो सिंगुलर होगा तो डज लगेगा और प्लूरल होगा तो डू लगेगा, तो वी डू नॉट नीड गन। ठीक है फ्रेंड्स, हम कुछ और सेंटेंस लेते हैं टेंस से, जैसे मेरे पिताजी नहीं पढ़ाते हैं, मेरे पिताजी नहीं पढ़ाते हैं, तो मेरे पिताजी क्या हुआ, माई फादर हो गया, तो माई फादर क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, प्लूरल है कि सिंगुलर है, सिंगुलर है, मेरे पिताजी, पिताजी तो एक ही होंगे ना, तो पिताजी इज द सिंगुलर, सो यहां पर हम डज लगाएंगे, माई फादर डज नॉट टीच। ठीक है, वे लोग नहीं जानते हैं, तो दे, अभी दे मीन्स बहुवचन हो गया, तो यहां पर डू लगेगा, दे डू नॉट नो। ठीक है, इसी तरह से जो भी सेंटेंस होगा, चाहे जिस टॉपिक से भी हो, अगर वो डू डज वाला है तो सिंगुलर नंबर के साथ हम डज लगाएंगे, मैं फिर से बोल रहा हूं कि सिंगुलर नंबर के साथ हम डज लगाएंगे, बाकी सभी प्लूरल नंबर और आई और यू के साथ डू लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल है इसको समझना। अब ये डिड का इस्तेमाल कहां होता है, डिड मतलब क्या, डिड इज द पास्ट, डू डज एंड डिड, सॉरी डू डिड एंड डन, यहां पे डज और डू होता है फर्स्ट फॉर्म में, डू डज डिड डन, डिड इज द सेकेंड फॉर्म, ये दूसरा फॉर्म है, यानी कि सेकेंड फॉर्म है वर्ब का, डिड, डिड का मतलब होता है पास्ट, यानी कि हम जब भी किसी पास्ट की बात कर रहे हो, जैसे देखिए उसने खाना नहीं खाया तो ही डिड नॉट ईट फूड, ही डिड नॉट ईट फूड, ये डिड का चक्कर क्या है, डिड बहुत ही सिंपल है, जब भी हम पास्ट की बातें कर रहे हो वो सेंटेंस है जिसके साथ हम डू और डज का इस्तेमाल करते हैं, अगर वही सेंटेंस पास्ट में हो तो उसमें हम डिड लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, डिड में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है,
सभी सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सारे के सारे सेंटेंस के साथ, सब्जेक्ट के साथ हम टी लगाएंगे आंख बंद करके, ठीक है फ्रेंड्स। चाहे आई हो, चाहे यू हो, चाहे दे हो, चाहे वी हो, चाहे ही, चाहे सी, चाहे कुछ भी हो, चाहे माई फादर हो, चाहे योर मदर हो, चाहे योर सिस्टर हो, चाहे माई ब्रदर हो, चाहे कुछ भी हो, उसमें सब में हम टी लगाएंगे अगर वो डीड वाला सेंटेंस होगा तो, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे अगर उसने खाना नहीं खाया, वह खाना नहीं खाता है तो ही डजंट ईट फूड, उसने खाना नहीं खाया तो ही डिड नॉट ईट फूड। डिड वहीं पर लगाएंगे जो डू डज वाला सेंटेंस होगा, जिसको हम डू डज से बनाते हैं, उसी में अगर पास्ट की बात करेंगे हम तो ही हम डिड लगाते हैं, सब में डिड नहीं लगा देंगे। जैसे मैं बीमार था तो मैं बीमार नहीं था तो आई डिड नॉट इल, ऐसा मत बोल देना आप। मैं बीमार हूं तो क्या बोलेंगे, आई एम इल बोलेंगे, तो वहाँ पे इजार एम वाला है तो वहाँ पर हम डिड नहीं लगाएंगे, वहाँ पे इजार एम का पास्ट वाज ओवर होता है तो वाज ओवर लगाएंगे। काफ़ी सारे लड़के इसमें भी कन्फ्यूज हो जाते हैं। मैं बीमार था, कल मैं बहुत बिजी था तो आई डिड वेरी बिजी यस्टरडे, ऐसा भी बोल देते हैं। अगर ऐसा बोलना है कि मैं कल गया था तो आई वाज गो, ऐसा भी बोल देते हैं। यही नहीं समझ पाते हैं कि डू डिड ये सब डज कहाँ लगता है, वॉज कहाँ लगता है। तो सिंपल है, जो सेंटेंस डू और डज से बनता है वही सेंटेंस अगर पास्ट में हो तो उसमें हम डिड लगाएंगे। जैसे अभी हम लिखते हैं कि उसके पास पेन नहीं है, उसके पास पेन नहीं है तो ही डजंट लगेगा यहाँ पे, ही डजंट हैव पेन। अगर इसी का हम पास्ट बोलते हैं कि उसके पास पेन नहीं थी, अगर यहाँ पे हम थी लगा देते हैं तो हो जाएगा ही डिड नॉट हैव पेन। मतलब जो सेंटेंस डू और डज से बना है अगर उसी का अगर पास्ट बनाना है तो ही डिड लगेगा, न कि हर सेंटेंस में आप डिड लगाते जाओ। कल मैं बीमार था तो आई डिड ईल यस्टरडे, ऐसा मत बोल देना आप, ठीक है फ्रेंड्स। कल मैं बीमार था, मैं बीमार हूँ, इसका क्या बोलेंगे, आई एम इल बोलेंगे। तो कल मैं बीमार था तो इसमें इजारम वाला है तो इजारम का पास्ट वाज वर होता है तो उसको वाज वर से बनाएंगे, ये भी समझना ज़रूरी है, ठीक है फ्रेंड्स। वे लोग नहीं खेलते हैं, ये प्रेजेंट है तो दे डोंट प्ले, ठीक है। अगर इसी का हम पास्ट बनाएंगे, पास्ट कि वे लोग नहीं खेले, उन लोगों ने नहीं खेला या वे लोग नहीं खेले, तो मैंने पास्ट की बात की तो वहां पर हम दे डिड नॉट प्ले, सिंपल है। बस यही समझना है कि जो भी सेंटेंस डू डज से बनता है, डू डज कहाँ लगता है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे अभी तक, तो जो भी सेंटेंस डू डज से बनता है अगर उसका ही पास्ट हो, उसी सेंटेंस के हम पास्ट की बात करेंगे तो फिर उसमें डिड लगेगा। और उसमें ये कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए कि आई के साथ क्या लगेगा, ही के साथ क्या लगेगा, दे के साथ क्या लगेगा, सबके साथ डिड लगेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था हमारा आज का क्लास, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न होता है, कुछ भी मतलब आपके मन में सवाल उठता है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखा कीजिए। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ओके एज यू विश, अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।